मेरा प्रश्न ये है कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं, वैदिक काल से जो लोग प्रार्थना करते हैं वो समस्त संसार समस्त विश्व के कल्याण के लिए करते हैं। हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो हम हर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे प्राणी जो है जो अदृश्य है सबके लिए। एक समय ये था गुरु जी, जो मैंने आपसे सुना कि पृथ्वी पे जो भी मनुष्य थे सब सनातन धर्म के ही थे, मतलब सब हिंदू हम कह सकते हैं। आज के समय में हिंदू सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में है, छोटे समुदाय में होगा, सब जगह फैला हुआ, पर एक जो देश कहलाएगा वो भारत में ही है, और भारत में भी पूर्ण रूप में नहीं है, ठीक है ना, सब बटे हुए हैं। तो जो धर्म का भी इतना विस्तार था वो धर्म आज बिल्कुल सुकड़ के रह गया। कल मैं एक मूवी देख के आई थी, द केरला स्टोरी, इसके बाद में मैंने 2 साल पहले बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ा था किसी का, तो तब भी मुझे लगता था कि हाँ है और पता ही था है, पर कल जब देखा ना तो सामने से किसी को देखना अलग होता है। तो क्या अब नहीं हमें, क्या अभी भी हमें गुरु जी सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलना चाहिए? क्या हमें अब अपनी प्रार्थनाओं में चेंज नहीं रहना चाहिए? क्या हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि सनातन धर्म के उत्थान के लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं, अपने उत्थान के लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं? क्योंकि सर्वे में तो फिर सभी आ जाते हैं, जो बुरे हैं वो भी आ जाते हैं, जो अच्छे हैं वो भी आ जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है गुरु जी, क्या वो समय है कि हमें सर्वे छोड़ना चाहिए, हमें सिर्फ सनातन धर्म के बढ़ने के विषय में बात करनी चाहिए जो बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा है? अभी भविष्य भी नहीं पता इस धर्म का क्या है। अगर आपको मेरा प्रश्न अच्छा लगे गुरु जी तो प्लीज इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। कल से ये प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है बार बार। खुश रहो प्रिय श्वेता, ये आपने बात की कि सर्वे बहुत सुखिने की बात की और सभी के अच्छे की बात की। लगभग ऐसी ही एक स्थिति आती है, पूर्ण काश्यप हैं, बुद्ध के समय में ही अपना एक बहुत बड़ा मत लेकर के चल रहे थे और अपने 5,000 शिष्यों के साथ बुद्ध के संघ में विलय उनका हो जाता है। खुद भी गुरु हैं, उनके साथ शिष्यों की बड़ी तादाद है, और कुछ समय के बाद वो बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं और बुद्ध पूछते हैं कि एक स्थान है बिहार में सूखा, उस स्थान पर बहुत समस्या है, बड़े लड़ाई झगड़े हैं, बहुत बुरे समुदाय के लोग वहाँ रह रहे हैं और एक दूसरे को रोजाना मारते हैं काटते हैं, छोटी छोटी बातों पर कत्ल हो जाता है, खत्म खून खराबा हो जाता है, एक दूसरे का सामान लूट लेना, चोरी डकैती एक रोजमर्रा की बात है, और किसी आदमी कोई भी आदमी जब उनका विरोध करता है तो उसकी वो गर्दन उड़ा देते हैं, मार देते हैं उसको। 2500 साल पुरानी चर्चा है, ये हो रही है। और कहते हैं कि उस स्थान पर कौन जाना चाहेगा, तो पूर्ण अपना हाथ उठाते हैं, पूर्ण काश्यप कहते हैं कि भगवान बुद्ध, मैं जाना चाहूँगा उस स्थान पर, गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दें। तो कहते हैं तुम जाना चाहते हो, तुम इसके लिए पात्र हो, ठीक है, लेकिन मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, इसके बारे में 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक प्रश्न तो ये कि उनके बारे में सुना है जो सूखा गाँव के लोग हैं, बहुत ज़्यादा वो अशिष्ट है, अभद्र हैं, और वो गाली गलौज करते हैं, अशिष्टता करते हैं, मारपीटा धक्का मुक्की सब करते हैं, तो तुम्हें अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ, तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो कहते हैं कि मुझे कोई ख़राब नहीं लगेगा, मुझे लगेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, गाली गलौज ही दे रहे हैं, कोई कम से कम बुरा तो नहीं कर रहे हैं, और ठीक है, मैं सोचूंगा कि मैं इनके सुधार में अपने लिए अपने आप को अगर भाग्य समझ पाया, इनके जीवन को ठीक कर पाया तो मेरे लिए अच्छा होगा। कहते ठीक है, दूसरा प्रश्न ये कि अगर वो तुम्हारे साथ मारपीट करने लगे, मारपीट पर उतारू हो जाएं और तुम्हें धक्का मुक्की खींचतानी शुरू हो जाए, फिर तुम क्या करोगे? वो कहते हैं कि हालांकि आपको मेरे सब प्रश्नों के उत्तर पता है, फिर भी आप पूछते हैं और मैं बता रहा हूँ, फिर भी हम इस समय पास करने के लिए चर्चा कर लेते हैं, गुरु शिष्य बात कर रहे हैं आपस में। कहते हैं कि मैं कहूँगा कि मुझे सिर्फ मारपीटते ही हैं, मारते पीटते ही हैं, मार ही नहीं डालते हैं, जान से ही नहीं मार रहे हैं, सिर्फ धक्का मुक्की ही कर रहे हैं, अशिष्टता ही कर रहे हैं, हाथापाई ही कर रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते तीसरा और अंतिम प्रश्न, क्या करके भी ऐसा घटना घटे, तुम्हारी किसी बात से वो इतने उद्वेलित हो जाए, इतने विक्षिप्त हो जाए, इतने परेशान और इतने हलकान हो जाए कि तुम्हें मार ही डालें जान से, तो तुम्हें कैसा अनुभव होगा? तो पूर्ण कहता है कि मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे इस मेरे जीवन में मुझसे बहुत सारे दोष हो सकते थे, मुझसे कोई पाप हो सकता था, मैं कितना असत्य बोल सकता था, मैं कितने जीव जंतुओं की हानि और उनके जीव हत्या का कारण बन सकता था, उस जीवन से मुझे मुक्ति मिली और मुझे मैं मोक्ष की तरफ गया, तो मैं उनको प्रणाम करूंगा और धन्यवाद देकर के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा दुनिया में कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम जा सकते हो। और पूर्ण सुखा में जाते हैं, पूरे गाँव का हृदय परिवर्तन करते हैं। एक्चुअली जो हिंदू है
हिंदू ही धर्म है, हिंदुत्व ही, हिंदुइज्म ही धर्म है और हिंदुत्व ही धर्म की एक धारा है। बाकी सब काइंड ऑफ वर्शिप हैं, पूजा पाठ और संप्रदाय हैं, पूजा पाठ के तौर तरीके हैं, जितने भी आप, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे जरथुस्त्री हो, चाहे कोई और हो, वो जितने भी पंथ, और वो सब पंथ हैं, उनके साथ पंथ ही शब्द आता भी है। तो कुछ निश्चित पथ, तो आप उनमें कुछ कुछ वो ऐसे समय पर उपजे हैं, ऐसे समय पर जन्मे हैं जब परिस्थितियां कुछ विशिष्ट थी, कुछ अलग तरह की, सामान्य परिस्थितियां नहीं थी, उनमें उन संप्रदायों का, उन काइंड ऑफ वर्शिप का जन्म हुआ। अब वो परिस्थितियां दुनिया में है नहीं, तो आज नहीं तो कल हम अपने जीवन में श्रेष्ठता को ही अंगीकार करेंगे, करते हैं आज भी। दाऊद इब्राहिम भी अगर अपने स्टाफ में किसी व्यक्ति को रखना चाहेगा तो घोर ऑनेस्ट को ही रखना चाहेगा, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट व्यक्ति को ही चूज करेगा, वो करप्ट और खराब और भ्रष्ट और बेहुदे लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहेगा, अपराधी भी, अपराधी भी। तो जो खराब समुदाय हैं, जिनके बात आप कर रहे हैं कि हम उनके कल्याण की कामना करते हैं, उनके कल्याण की कामना यही कि उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। तो सद्बुद्धि प्राप्त होगी जब उनके जीवन में उनका चित्त निर्मूल होगा, जब उनकी मन चेतना आत्मा और शरीर का अलाइनमेंट होगा, तो उनका विवेक और बुद्धि ऐसी हो जाएगी जैसे हिंदुओं जैसी, हिंदू माने शुद्धतम स्वरूप। और जब वो शुद्धतम स्वरूप में पहुंच गए, जब वो सनातनी हो गए, जब वो वैदिक हो गए, जब वो धार्मिक हो गए, तो वो अच्छे लोग हो गए, और फिर सबका कल्याण हो, जो अच्छे हैं, जो अच्छे हैं उन सबका कल्याण हो। हम तो, भगवान शिव ने तो भस्मासुर को भी वरदान दे दिया था, फिर बाद में उसका संहार भी कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शक्तियां आपके नियमन के लिए होती हैं, आपके एग्जामिनेशन और बाकी चीजों के लिए होती हैं, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। आज नहीं तो कल जो पैदा है वो नपैद है, जो आया है वो जाएगा। रामकृष्ण बुद्ध महावीर सबके शरीर पूरे हुए, हम और आप भी नहीं रहेंगे, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में अगर धर्म के नाम पर और 500 साल बाद, 1000 साल बाद, 5000 साल बाद कोई चीज प्रतिष्ठापित हुई तो वो सिर्फ वैदिक और सनातनी धर्म ही होगा, हमारे हिंदुइज्म ही होगा। मजबूरी हो जाएगी उसको एडॉप्ट करना आपका। एक समय तक एलोपैथी लाभ देती है, धीरे धीरे नेचुरोपैथी पर आ रहे हो ना आप। अब वो चौराहे पर मिट्टी की हंडिया और मिट्टी के तवे और मिट्टी के बर्तन बिकने शुरू हो गए ना, अब होटलों से प्लास्टिक खत्म हो गई ना। एक समय तक बड़ा अच्छा लगा था उस सबको इस्तेमाल करने में, सुविधा भी थी, आसानी भी थी, सस्ता भी था, लेकिन सस्ते का मूल्य अपने जीवन से नहीं मिला सकते हो आप। तो एक अतिशयता के बाद स्वतः ही चीजें ठीक होती हैं, और यही हमारे युगों का एक सिस्टम है। फिर वो प्रलय आती है, फिर सब शून्य होता है, फिर शून्य से फिर चीजें जगती हैं, तो ऊपर का पूरा एक नियम है। लेकिन हम अपनी प्रार्थनाओं को, हम अपनी, अब सूर्य है, सूर्य जितनी रोशनी ओसामा बिन लादेन को दे रहा है उतनी बराक ओबामा को दे रहा है, वहां कोई पक्षपात है नहीं। जो हवा है वो ऑक्सीजन उतने फेफड़ों में उसकी भी उतनी भर रही है जितनी किसी देवता के या किसी देवतुल्य व्यक्ति के भर रही है। तो इन चीजों को अगर हम अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, और जब हम ये कामना करते हैं कि सभी की बुद्धियां सब हो, सभी की बुद्धियां शुद्ध हों, सभी के मन शुद्ध हों, सभी की चेतनाएं निर्मूल हो जाएं, और सभी चैतन्य प्रभुत्व की ओर अग्रसारित हो जाएं, तो उसमें सब आते हैं, और जब सब हो जाएंगे तो समाज बहुत श्रेष्ठ, सभ्य और अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके उल्टे अगर हम बैरों, बैर की टोलियां बांधे, बैर एक ऐसा ऐसा गुनाह है, बैर एक ऐसी चीज है जिसमें किसी दूसरे की गलती की सजा आप स्वयं को देते हो। क्रोध एक ऐसा अवगुण है जिसमें दूसरे के दोष की सजा आप स्वयं को देते हो। तो बैर हर नर्क का द्वार है, हर समय बैर, बैरी आदमी हर समय जलता रहता है, एक संताप में और एक संशय में और एक चिंता में, और वो चिंता उसको चिता तक ले जाती है। तो वो चिंताओं से बचिए। जीवन है हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, अपनी श्रेष्ठता के साथ अपने जीवन को जिए। ये श्रेष्ठता ही उन लोगों को ये बात स्वीकार करने पर मजबूर कर देगी कि जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए, और जैसे जैसे संचेतना बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन का परिवर्तन होता जाएगा। दर्द का हद से बढ़ना है दवा हो जाना। जब बुद्ध ने शांति और धर्म की और प्रेम की और सहिष्णुता की शिक्षा दी, उस समय रोजाना राजघरानों में, राज परिवारों में, राजकुलों में प्रतिदिन मारकाट मची हुई थी, एक दूसरे के गले रोक रेत रहे थे, मार रहे थे, तब इस बात को कहा। तो आप देखेंगे कि आगे चल करके श्रेष्ठता और अच्छाई और सच्चाई ही सदा सर्वदा रह जाने वाली है। तो प्रार्थनाएं तो हमारी वेदों की हैं, 80,000 साल पुरानी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का सब शुभ हो। Re re re.
भजरे रे ची